हाय, तो आज मैंने अपने पहले वीडियो में कुछ बहुत ही बेसिक और सिंपल आसान एक्सरसाइज कवर किए हैं जिसे ऑलमोस्ट हर एज कैटेगरी के लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सरसाइज पहली बार में हो जाएं, अगर बिना किसी तकलीफ के हो पाते हैं बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वीडियो की शुरुआत में जो थोड़े बहुत रोटेशंस दिखाए गए हैं उन रोटेशंस के साथ आप थोड़ी सी स्लो जॉगिंग या फास्ट वॉक भी कर लेते हैं 15 से 30 मिनट के लिए, और वीडियो के एंड में दिखाई गई स्ट्रेचिंग फॉलो करते हैं उसके साथ, तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप एक्सरसाइजेस के नंबर और इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो में जितने भी एक्सरसाइज दिखाए गए हैं आप उसे 8 से 12 के काउंट में 3 से 5 सेट तक आप परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और जो है एक्सरसाइज ऐड करूंगा जिससे बॉडी में एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज जब आप 3 से 4 हफ्तों के बाद भी परफॉर्म करते हैं तो बॉडी में एडेप्टेबिलिटी हो जाती है जिससे रिजल्ट थोड़े से डाउन हो जाते हैं। लेकिन थोड़े से ही सही शुरुआत करना जरूरी है। इसमें जो भी आसान एक्सरसाइज है आप उसे फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी मिलूंगा। थैंक यू सो मच। किसी भी तरह का एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है बॉडी को रेडी करना बहुत जरूरी होता है। मतलब एक हल्का फुल्का सा वार्म अप और सारे मेजर जॉइंट्स को रिलैक्स करना जिससे कि आपको इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है ना, और आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाती है। और बहुत ही हल्का फुल्का होना चाहिए और बहुत ज्यादा गैजेट्स की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा सामान आपके पास होना चाहिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एक योगा मैट जो कि हमारे पास, एक पानी की बॉटल और ऐसी कोई लैटेक्स की ट्यूब हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी ठीक है। और एक स्किपिंग रोप अगर आप स्किपिंग कर सकते हैं तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, कुछ खास जरूरत नहीं होती। और सबसे मेन गैजेट जो होता है वो होता है चाहत, आपके अंदर होनी जरूरी है। एक यू नो फिट और हेल्दी लाइफ जीने की जो चाहत होती है, अपनी बॉडी को एक खूबसूरत पोस्चर में देखने की जो चाहत होती है, अगर वो है ना तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा बकवास बिना किए हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ हिप रोटेशन। कमर को गोल घुमाना, दोनों तरफ 5 से 10 बार आप घुमा सकते हैं। 4, 5, 6, 1, 2। मैं नंबर यहां पे कम ज्यादा भले ही रखू, आप अपने नंबर 5 से 10 के बीच रख सकते हैं, है ना। नेक रोटेशन अप एंड डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट राइट, 1, 2, 3, 4, 5, रोटेशन 1, 2, 3, आंखें बंद नहीं करनी है, 1, 2, 3। और इसे करते हुए अगर आपको चक्कर आ रहा है ना, अनइजी फील हो रहा है तो मत कीजिए, मतलब अगर आप बिगिनर है तो बिल्कुल मत कीजिए, है ना। हैंड रोटेशन 1। और जो एक्सरसाइज पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं इसे हर कोई कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें जो घर में रहने वाली हैं या फिर है ना ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो भी लोग कर सकते हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल और सस्टेनेबल है ये एक्सरसाइज पैटर्न, आप हमेशा इसे फॉलो कर सकते हैं। 10 टाइम ईच साइड एंड देन 1, 2, 3। बॉडी को टाइट रखना, सांस को लेना और प्रॉपर छोड़ना बहुत जरूरी है। ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक्निक बहुत ज्यादा मैटर करती है एक्सरसाइज करते हुए। एंड मेक श्योर इस बात का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज करते हुए आपकी पूरी बॉडी जो है कॉन्शियस और स्ट्रांग टाइट रहे, ठीक है, एटलीस्ट जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तब। उसके बाद आप उसे रिलैक्स रख सकते हैं। 1 अपसाइड 2 3 4 5। इन नंबर्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है तो आप दो चार काउंट के साथ भी रुक सकते हैं। अगर आपको अनइजी फील हो रहा है या फिर डिजीनेस जैसे चक्कर वगैरह कुछ आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा जैसे फील हो रहा है, आप थके जा रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। फिर वो धीरे 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 एक दो नंबर बढ़ता जाएगा। फिर पैरों में डिस्टेंस, हाथ हाइज पे रखते हुए आराम से नीचे स्ट्रेच करें, अपनी कमर को सीधा रखें ताकि आपके पैरों का जो पिछला हिस्सा है हैमस्ट्रिंग्स लेके काफ तक और सीट मसल जो है वो स्ट्रेच हो पूरी तरह से। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है
सांस तोड़ लेते हुए नीचे, फिर वापस ऊपर, नीचे एंड अप। अब हाथों को पीछे रखते हुए हील टच करना है, वन टू, ब्रीद आउट, थ्री फोर फाइव। कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है और ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट पहली बार अगर आप कर रहे हैं, तो आप उसे स्किप करें, मतलब उसे ना करें, उसे उसके आगे वाला जो है उसे आप कर सकते हैं, है ना। स्टॉप। अब जो है हेड टच टू द नी। अब इसमें यह है कि इसमें आपको फोरहेड को टच करना है अपनी नी पे। अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपने हाथों को थाइस पर के धीरे से नीचे जा सकते हैं, जहां तक आप पहुंच सके उतना काफी है, वो रेंज धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे वो रेंज बढ़ती जाएगी, है ना। हमेशा नीचे जाते हुए सांस लेना है, ऊपर आते हुए उसे छोड़ देना है। स्टॉप। शोल्डर रोटेशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अपोजिट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेस्ट स्ट्रेच विथ काफ राइज, हील को ऊपर उठाते हुए चेस्ट को स्ट्रेच करना है। अगर आप हील नहीं उठा सकते, बैलेंस खो रहा है, तो सिर्फ आप चेस्ट प्रेस भी, चेस्ट स्ट्रेच भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हील उठा सकते हैं तो अच्छी बात। हाथों को टाइट रखना है, सांस को छोड़ना है, जिससे आपकी चेस्ट पूरी तरह से स्ट्रेच हो। स्टॉप। ओके, रिस्ट रोटेट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, अपोजिट, वन टू थ्री फोर फाइव। स्टॉप। क्वाड स्ट्रेच, मतलब थाइस का जो सामने वाला हिस्सा उसे स्ट्रेच ऐसे करना है। अब ये बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपके आसपास कोई वॉल हो तो एक हाथ से पकड़ के आप धीरे से होल्ड करें। अब पहली बार में प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि कई बार पकड़ने में मुश्किल हो जाती है, आप दोनों हाथ से नहीं पकड़ पा रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे कुछ दिन बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी मोबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए तो उसके बाद फिर से ट्राई करें, है ना। और अगर जो कोई कर सकते हैं तो दोनों हाथों से धीरे धीरे उसे पकड़ें, होल्ड करें, फिर आराम से छोड़ें। ध्यान रखें कि एक्सरसाइज करते हुए रिजल्ट भले ही हमें आराम से मिले, लेकिन इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भले ही आराम आराम से आप करें, धीरे धीरे उसके रिजल्ट आए, लेकिन जल्दी के चक्कर में कई बार मुश्किल हो जाती है ना, कभी दिक्कत हो सकती है। सो धीरे से नीचे जाएं, अब जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं, उसके बाद आप हाथ फ्लोर पर रखने की कोशिश करें, और कोशिश करो कि आप अपने नी को सीधा रखें और पीठ को भी सीधा रखें। अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं पैरों में, है ना, जिससे कि करने में आसानी होगी। अब धीरे धीरे ऊपर आए, फिर से स्टॉप। उसके बाद हम एक पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप, ये काइंड ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइज है, जिसमें आपकी चेस्ट, आर्म, शोल्डर, है ना, थोड़े बहुत पैर और एब्डोमिनल भी कवर अप हो जाता है। धीरे से नीचे जाना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। आराम से ऊपर उठना है, हाथों को घुटनों पर रखते हुए, जो कि बिगिनर है ना, बाकी लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, कंटिन्यू, पांच से दस बार आप कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है, मतलब इस तरह से जाने में या वापस आने में, तो आप अपने घुटनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे जाएं वापस, जो कि बिगिनर है, जिन्होंने कभी एक सही नहीं किया, वो ऐसे उठ सकते हैं, है ना, मतलब ऐसे आराम से जाना,
घुटनों को नीचे रखते हुए फिर यहां तक आना। जरूरी है कि एक्टिविटी होना है ना, धीरे धीरे आप जब इसे करने लगेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी और एक्सरसाइज इंप्रूव होते रहेंगे, मतलब और अच्छे से आप कर पाएंगे ना। उसके बाद आप थोड़े से बेटर हो जाए तो उसके साथ आप हल्का सा पुशअप कर सकते हैं, है ना। जो कर सकते हैं वो ठीक है ना, जैसे कि ये। अब इसे आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, आराम से चाहे और वैसे ही घुटनों का इस्तेमाल करें, पूरा नीचे लेट जाओ आराम से, ऊपर उठो और फिर आराम से पीछे जाओ, है ना। इसी को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी में आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना। इसी में ये भी इसका भी एक और तरीका है जो बिगिनर्स के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। इससे क्या होगा, आपकी थाइस, हैमस्ट्रिंग और मतलब हैमस्ट्रिंग, सीट मसल, है ना, लोअर बैक पूरी स्ट्रेच होगी। एंड देन चेंज, अब इसे भी आप घुटनों पे कर सकते हैं ऐसे आराम से, जो कि जो बिगिनर है वो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हिप को नीचे थोड़ा सा हल्का पुश करना जरूरी है, जितना आप कर सकें। चेंज, अपने हिसाब से आप अपने काउंट रख सकते हैं, 6, 8, 10, 12 जितने हो सके, है ना। और आराम से खड़े हो जाए। उसके बाद आता है लैटरल बेंड, स्टैंडिंग लैटरल बेंड। आराम से हाथ को ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए अपोजिट साइड नीचे झुकना है। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरा नीचे पहुंचे, जैसे कि ये है ना, पूरा एंकल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है शुरुआत में, तो आप जितना कर सकते हैं ना, अगर इतना भी हो सके तो काफी है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। धीरे 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 वो अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। अब कई बार होता है कि आपको डायरेक्ट स्क्वाट कराया जाता है, अगर बिगिनर है कोई बंदा जिसने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, वो डायरेक्ट स्क्वाट नहीं कर पाता है, करे भी तो होता ही है कि या तो आगे झुक जाएगा या फिर घुटने आगे होंगे, जिससे आपको नी पेन या बैक पेन होने की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप इसे, इसके कई और तरीके होते हैं, जैसे कि आप आराम से नीचे बैठे, बट मेक श्योर, ध्यान रखें कि आप उठते हुए ऐसे ना उठे यूजुअली, मतलब जो घर में औरतें अगर नीचे बैठे तो उठते हुए ऐसे उठते हैं, हमेशा ऐसे करके फिर वो ऐसे उठते हैं, ये गलत तरीका है, जिससे आपकी कमर में फिर धीरे धीरे बाद में दर्द होने लगता है ना। इसीलिए अपर बॉडी को स्ट्रेट रख के आराम से उठना जरूरी है, और ऊपर उठते हुए सांस छोड़ना, नीचे बैठते हुए सांस लेना जरूरी है। जैसे ये, अगर इसमें भी दिक्कत है तो आप घुटनों पे हाथ रखें, लेकिन अपर बॉडी को ऐसे झुकाना नहीं है, स्ट्रेट रहना है, और फिर ऐसे आराम से उठ सकते हैं। अब इसका एक और तरीका है, इससे भी आसान तरीका है, ऐसा कोई स्टूल या कोई चेयर आपके पास हो, अपने छोटा बड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप उस पर बैठ के बस खड़े हो जाए, है ना, मतलब ये बैठे और, लेकिन जब खड़े हो अपनी सीट मसल को और थाइस को और एब्डोमिनल को कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब अंदर की तरफ खींच लेना, सांस को बाहर निकालना और इस हिस्से को और इस हिस्से को अंदर की तरफ खींच के टाइट करना उसे जरूरी है। तो कैसे, हाथ फिर अगर इसमें आप थोड़े बेटर हो जाएं, आप यहां रख सकते हैं, हाथ सामने रख सकते हैं, है ना। तो इस, और फिर इसी के ऊपर ऐसी छोटी टेबल या चेयर जो थोड़ी स्ट्रांग सॉलिड हो, मेक श्योर कि गिरे ना टूटे, जिससे आपको तकलीफ ना हो, आप आराम से उसके ऊपर स्टेपर कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2,
और बैलेंस करना अगर मुश्किल है तो वही फिर से आप वॉल का सहारा लें, दीवार का, वन टू, इसकी हाइट जितनी ज्यादा हो स्टेप अप करते हैं उतना अच्छा होता है, लेकिन शुरुआत छोटे से करें, कोई छोटी चीज, फिर जैसे थोड़ा आप ना स्ट्रांग बन, थोड़ा फील होने लगे आपको कि आई कैन गो नाउ फॉर यू नो हायर स्टेप, तो आप फिर थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, है ना। इसमें कई और मॉडिफिकेशन है, जैसे कि पहली बार में जब शुरुआत करें कुछ दिन तक सिर्फ इतना रखें, वन टू, इसमें भी ब्रीद आउट करना है, दोनों पैरों के चेंज करते रहना 10-15 काउंट। अब इसमें क्लाइंब अप करके हाई नीज के साथ नेक्स्ट, जब थोड़ा टाइम निकल जाए उसके बाद, वन टू थ्री, बट मेक श्योर कि आप बैलेंस प्रॉपर कर रहे हैं ना, हाथ रखें और फिर धीरे धीरे आपको बिना हाथ रखे होने लगेगा, है ना, ऐसे। ओके, तो इसमें आपकी ऑलमोस्ट लोअर बॉडी मतलब पैरों का एक्सरसाइज पूरा कवर अप हो जाता है अभी के लिए, मतलब इतने जो बेसिक है उसके साथ। अब आती है बारी एब्डोमिनल की, जिसका सबसे सबको ज्यादा जो है ना होता है कि टमी ज्यादा है, पेट थोड़ा सा कम करना है, लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि मुझे सिर्फ एब्डोमिनल का एक्सरसाइज होता है, सिर्फ टमी का, या सिर्फ हाथों का, या सिर्फ पैरों का। ऐसा नहीं होता है, आपको ओवरऑल एक्सरसाइज करना पड़ता है पूरी बॉडी का, क्योंकि अब जैसे मैं अगर इस हाथ को मूव कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही का फैट बॉडी जो है एनर्जी के रूप में यूज करेगी, एनर्जी के तौर पर यूज करेगी, नहीं। अगर वो यहां भी है ना तो बॉडी उसे एनर्जी के लिए, अगर मैं इसे यूज इसे मूव कर रहा हूं फिर भी वो यहां अगर कहीं एक्सेस फैट है तो उसे भी फ्यूल की तरह बॉडी यूज करती है, तो जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, पूरी बॉडी का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ना, कोई पर्टिकुलर सिंगल पार्ट का आप कंटिन्यूस वही करते रहें तो गलत है। हाँ, आप डे वाइज डिवाइड अगर करते हैं, जैसे कि है ना, एक दिन आप पैरों का करें, एक दिन हाथों का करें, एक दिन पीठ का, एक दिन एब्डोमिनल का, तो वो अलग बात होती है। लेकिन ओवरऑल जब आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप छोटे मोटे हल्के फुल्के कंपाउंड एक्सरसाइज करें, जैसे अभी मैं कर रहा हूं, कुछ कंपाउंड थे, कुछ है ना पर्टिकुलर टारगेटेड मसल के लिए थे, तो ऐसा मिक्स होना जरूरी है। अब हम आते हैं एब्डोमिनल की तरफ, एब्डोमिनल में भी तुरंत हार्ड एक्सरसाइज की तरफ ना बढ़े, हाथ नीचे, सिर्फ लेग लिफ्ट करें शुरुआत, वन टू, जितना आप उठा सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अब दोनों हाथ ऊपर, वन अपर बॉडी के साथ, टू, कोई बात नहीं, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, अब यहां भी अगर पहुंच पा रहे हैं, यहां भी पहुंच पा रहे हैं तो भी ठीक है, जरूरी नहीं कि आप तुरंत टो तक पहुंच जाए, हो नहीं पाता ना कई बार, इसीलिए जितना जहां तक आप पहुंच सके ठीक है। इसके अलावा अगर ये स्ट्रेट लेग उठाना भी अगर मुश्किल है तो आप फोल्ड करके उठा सकते हैं, यहां पर आप एंकल को टच कर सकते हैं पैर को फोल्ड करके। लेकिन ये सारे एक्सरसाइज करते हुए अगर आपको कमर में दर्द होता है या नेक में पेन कहीं होता है तो इसे ना करें, रुक जाए, है ना। अब इसके बाद जब धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो आप फुल टो टच कर सकते हैं ऐसे उठ के आराम से, वन टू, और जो बिगिनर होंगे वो हाथ प्रॉपर यहां से रख के आगे पुश करेंगे और यहीं से स्लिप करते हैं ऊपर लाइन, ठीक है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट ऐसे या फिर ऐसे करते हैं, डायरेक्ट यहां से टच करते हैं तो उसका कई बार जो है वो प्रेशर आपकी लोअर बैक पे आ जाता है, अगर आप प्रॉपर यू नो फॉर्म में नहीं है या फिर आप बिगिनर हैं तो कई बार लोअर बैक पेन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए आराम से जो है यहां रख के, वन टू, इस तरह से करें। और ये भी जरूरी नहीं कि शुरुआत में आपसे हो पाए, इसलिए आराम आराम से जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तभी आप करें, है ना। और फिर इसी में और आप अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे एक फैट फोल्ड करके लेग लिफ्ट कर सकते हैं कंटिन्यू और सिंगल लेग,
अब जो अपर बॉडी उठाने वाला जो जो पोजीशन है उसे अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, शुरुआत में आप इसे नीचे रखें आराम से, हाथ प्रपर, लेकिन सांस को लेना और छोड़ना बहुत जरूरी है। जब भी आप पैर को ऊपर उठाएं तो सांस को बाहर निकालें, जब पैर नीचे जाए तो सांस को अंदर लेना। चेन अब होता क्या है, कई बार लोग एब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हमने कई बार देखा है लोग है ना अपने हाथों को पूरे यहां रख लेते हैं ऐसे और फिर ऐसे 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 करने लगते हैं जो कि गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। हाथ आपके हिप के अलाइन हो स्ट्रेट पोजीशन में जो सपोर्ट कर रहे हो फ्लोर को है ना, उसके बाद आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं जैसे, लेकिन इसे प्रॉपर पूरी फॉर्म में करना जरूरी है। कई बार आप ऐसे करते हुए देखा होगा कई लोगों को, इससे एक्सरसाइज इससे कुछ होता जरूर नहीं है लेकिन आपको एक फील हो जाता है कि यार मैंने किया लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। ये होगा तब आप जब प्रॉपर पैडलिंग करेंगे, 1 2 3 4 1 2, लेकिन ये बिगिनिंग में पॉसिबल नहीं है, है ना, कुछ दिन लगेंगे। तो बिगिनिंग में आप वही लेग लिफ्ट करना, फिर अल्टरनेट टो टच विथ अपोजिट हैंड है ना। तो सारे एक्सरसाइज किसी से हो ये जरूरी नहीं है, इसमें से आप दो तीन वेरिएशन ही करें ठीक है, जिससे कि आपको फायदा बिल्कुल ही होगा। हर एक वेरिएशन को एटलीस्ट 10 से 15 टाइम करना जरूरी है ना, उसके बाद आप आराम से खड़े हो जाएं फिर से। अब यहां हमारा एब्डोमिनल थोड़ा बहुत कवर हो गया है ना, उसके बाद फिर से इसी को रिपीट करना है, शुरुआत फिर से सेम होगी है ना, पहले फिर से अपर बॉडी। अब चलो, पहले बार मैंने आपको हैंड वॉक के साथ पुशअप करना दिखाया, अब एक और तरीका होता है जो कि सिंपल पुशअप, जो थोड़े से स्ट्रांग है या फिर पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं वो प्रॉपर पुशअप कर सकते हैं। और पुशअप करते हुए कभी भी हाथों को ऐसे ही नहीं रखना है, प्रॉपर फिंगर्स जो है अलाइन हो स्ट्रेट और स्ट्रांग हो ताकि आपकी ग्रिप अच्छी बने, पैरों में ज्यादा डिस्टेंस ना हो, चेस्ट स्ट्रेच बैक स्ट्रेट हो और सांस लेते हुए नीचे जाना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। अब सबके लिए पुशअप करना जरूरी मतलब सॉरी पॉसिबल नहीं होता है, जो बिगिनर होंगे उनको दिक्कत हो जाती है, फिर कई बार क्या हो जाता है कि ऐसे कमर नीचे रहना या फिर अपर बॉडी का थोड़ा सा है ना टिल्ट रहना, ये दिक्कत होती है। इससे क्या हो जाता है, फायदा नहीं होता लेकिन नुकसान हो जाएगा, आपकी बैक पेन जरूर हो जाएगा ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं उसे, आप प्रॉपर पूरा नीचे जाए पूरा लेट के फिर वापस ऊपर उठे और यहां पर्वतासन में जा सकते हैं ना, इट्स लाइक योगा पोजिशन है ना, जैसे हम भुजंगासन के साथ पर्वतासन करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लो स्पीड होता है, आप इसको भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप आराम से नीचे जाना ऊपर उठ के पर्वतासन, 1 down 2 down 3 down। अब ये हो गया उनके लिए जो थोड़े बहुत है ना मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जानते हैं या फिर कंफर्टेबल, अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नी पुशअप के साथ चाइल्ड पोजीशन में जा सकते हो ऐसे है ना, आराम से यहां आ जाए फिर वापस सांस ली फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, हाथों को स्ट्रांग रखना है ठीक है। अब यहां पे पोजीशन कैसी हो, घुटनों में थोड़ा सा डिस्टेंस और टो थोड़े से एक दूसरे के क्लोज हो, पैर थोड़े से क्लोज एक दूसरे के लेकिन नी में हल्का सा डिस्टेंस, तो ब्रीद इन। अब इसमें अब या तो पूरा फ्लोर पे पूरा नीचे जाके आ सकते हो या तो फिर यहीं से आ सकते हो, अब पीछे जाने की जिसे लगता है कि मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है मैं कर सकता हूं नी पुशअप, तो हल्का सा नी क्लोज करें और फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप हल्का सा नी में डिस्टेंस नीचे जाए आराम से, और मैं सजेस्ट करूंगा शुरुआत में आप इसी को करें स्ट्रेच
स्ट्रेच है ना। जब आप अपना टेंथ काउंट कंप्लीट करें या फिर 8, 12 जो भी है, यहां पर आप 10 से 15 सेकंड के लिए रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है रेस्ट के लिए और बॉडी में ब्लड फ्लो भी इससे इंप्रूव होता है। फिर वापस खड़े हो जाएं, फिर से जो है लैटरल बेंड, अब लैटरल बेंड के फायदे जो होते हैं वो आपके जो साइड फैट होता है, जो साइड एब्डोमिनल या ओब्लिक्स आप जैसे कहते हैं, उस पर भी काम होता है, आपके ट्राइसेप्स पे काम होता है, लैट पे भी आपके काम होता है ना। ओवरऑल इसमें ये भी एक तरह का आप मान लीजिए कि कंपाउंड एक्सरसाइज है, लेकिन मैटर करता है कि कई बार लोग हाथ ऐसे रख लेते हैं, इसको सीधा रखें, बॉडी को पूरा टाइट और कॉन्सेंट्रेट करें अपनी बॉडी पे, सांस लेना और छोड़ना जरूरी है, ऐसे आगे ना झुकें, इससे होगा क्या कि कमर में दर्द हो सकता है आपके, है ना, कमर में पेन हो जा सकती है, तकलीफ हो सकती है, तो अब भले कम नीचे जाएं लेकिन बॉडी को सीधा रखें, लैटरल दिशा में सीधा मतलब साइड में सीधा, फिर से वही आप स्टूल पे जो है यहां पे पहले आप स्टेप अप से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, फिर आप अपना स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं जितने फास्ट आप कर पाए, लेकिन मेक श्योर कि आप गिरे नहीं इसको करते हुए, है ना, और हर 10-15 काउंट के बाद आप पैरों को चेंज करें, उसके बाद फिर आप सिट डाउन स्टैंड अप करें, इसी पे बॉडी को स्ट्रेट रखना, 1 स्क्वीज करना जरूरी है ना, स्क्वीज मतलब एब्डोमिनल सीट मसल थाइस को टाइट रखना, फिर नीचे जाते हो रिलैक्स ऐसे, हाथ यहां भी रख सकते हैं, फिर ये जैसे जैसे आप करते रहेंगे रेगुलर आपके पैरों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ थोड़ी बन जाएगी ना, फिर आपको स्टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बिना बैठे कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत आप ऐसे करें, स्पेशली उनके लिए जो थोड़ा सा मिडिल एज या ओल्ड एज हैं, जिनको तकलीफ है ऑलरेडी कमर में या घुटनों में, तो वो डायरेक्ट कोशिश ना करें, आप ऐसे ही किसी चीज का सहारा लेके बैठना उठना इससे शुरुआत करें, है ना, इससे धीरे 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 इंप्रूवमेंट अच्छी होगी, उसके बाद रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। फिर समझ आते हैं एब्डोमिनल की तरफ आखिरी बार, लेग लिफ्ट, इसमें आप अपर बॉडी उठा के ब्रीथ आउट भी कर सकते हैं जिससे आपको फायदा थोड़ा ज्यादा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे फैंसी एक्सरसाइजेस होते हैं ना जो आप यूट्यूब और इंस्टा पे वगैरह देखते हैं, लेकिन वो सारे हम सबके लिए सही नहीं होते हैं ना, वो उनकी प्रैक्टिस सालों की होती है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जैसे मैं उनको कर सकता हूँ आप भी उसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ा टाइम देने के बाद, अपनी बॉडी को थोड़ा इम्प्रूव करने के बाद, आप कोई और कर रहा है कहीं हमने गूगल पे या इंस्टा यूट्यूब पे देखा और फिर इसे हम ट्राई करें, तो फायदा नहीं नुकसान जरूर होगा, तकलीफ ऐसी हो जाएगी कि फिर आपका एक्सरसाइज की तरफ से मन उठ जाएगा और फिर आप फिर कभी उसे कोशिश ही नहीं करेंगे करने की, 1, 2 बिल्कुल आराम से पूरा नीचे जाने के बाद फिर वापस आना है, 3 सांस को छोड़ना जरूरी है, 4, 5, 6 उसके बाद 1 पूर्ण पवन मुक्तासन में होल्ड करना है फिर छोड़ देना है, 2 अगर आप अपर बॉडी नहीं उठा सकते कोई बात नहीं, फिंगर लॉक नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आराम से जितना हो सके, 1, 2 अब इसमें अगर दोनों एक साथ नहीं उठा सकते
उठाते हो, अगर आपको बैक में थोड़ा अनइजी फील हो रहा है तो आप सिंगल सिंगल करें, 1 2 चाहिए, अपर बॉडी हल्की सी उठाएं, 4 5 इसके फायदे दो हैं, एक तो आपका पैर स्ट्रेच होगा, सीट मसल स्ट्रेच होगा, है ना, हैमस्ट्रिंग सीट मसल स्ट्रेच होगा, लोअर बॉडी जो है थोड़ी सी स्ट्रांग होने लगेगी और मोबिलिटी इंप्रूव होगी, है ना, स्ट्रेचिंग प्लस एब्डोमिनल एक्सरसाइज में होता रहेगा। अब टू टच आराम से, 1 कई बार आप उठ नहीं पाएंगे, है ना, मतलब ऐसा होगा कि आप उठने की कोशिश करेंगे लेकिन अपर बॉडी हेवी होगी तो आप यहीं तक अटक जाएंगे। तो उसे आप शुरुआत कैसे करेंगे, आप बस, लेकिन इसको करते हुए कई बार अपर बैक में आपको हल्का सा अनइजी या पेन फील हो सकता है, अगर हो रहा है तो रुक जाए, फिर आप पैर को हल्का सा फोल्ड करें एंड देन नी टैप करें, 1 2 हल्की से अपर बॉडी को उठा के सांस को छोड़ना जरूरी है, 3 4 उसके साथ फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आप टोटल भी कर सकते हैं। अब हुआ यह है कि इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज दिखाए हैं, है ना, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट वाला भी है, थोड़ा यू नो इंटरमीडिएट भी है और थोड़ा एडवांस, मतलब थोड़ा सा हार्ड भी है, तो आपके लिए जो सही रहेगा ना बेसिक चीजें जो होंगी, मतलब जो बेसिक एक्सरसाइज होगा, जैसे कि आराम से लेट के पैर को ऊपर उठाना, आपसे इतना एक आपने कभी एक्सरसाइज अगर नहीं किया है, आप इससे भी स्टार्ट करेंगे ना एब्डोमिनल के लिए, सिर्फ ये एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करें कि 1 2 3 4 10 काउंट किए, फिर 10 सेकंड की सांस लेना है, फिर से 10 काउंट, 4 5 6 7 ये हो गया, है ना, उसके बाद खड़े हो जाएं, फिर से वापस आप नी पुशअप या हैंड वॉक कर सकते हैं, सिर्फ हैंड वॉक करके वापस आना, नी पुशअप करना या रेगुलर पुशअप के साथ कर सकते हैं, या नी पुशअप के साथ चाइल्ड पोजीशन में रेस्ट कर सकते हैं। अब इन सब के बाद सबसे जरूरी पार्ट आता है स्ट्रेचिंग करना, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा कूल डाउन करके स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, तो आप 1 मिनट के लिए आराम से लेटे रहे, है ना, पैरों में हल्का सा डिस्टेंस, हाथ ऊपर रख सकते जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, आप 1 30 सेकंड से 1 मिनट या 2 मिनट जितना आपके पास रहा, जहां तक आप कंफर्टेबल हैं या जितना आपके लिए सही लगे आप उतनी देर के लिए थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, आराम से सांस लें, उसके बाद शुरू होता है स्ट्रेचिंग। आप स्ट्रेचिंग, बेसिक स्ट्रेचिंग जो सबको करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है और इसमें ऑलमोस्ट पूरी बॉडी कवर हो जाती है, पहली चीज होती है ओवरहेड फिंगर लॉक स्ट्रेच, अपने फिंगर्स को लॉक करके ओवरहेड स्ट्रेच करना है और अपने पैर, अपने जो टो हैं उनको ऊपर खींचना है, होल्ड इट टाइट, अब अपने टो को नीचे की तरफ पुश करना है, पैरों की उंगलियां नीचे की तरफ, फिर से अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर खींचे, अपने टो को ऊपर की तरफ मोड़े एंड देन रिलैक्स, आराम से हाथ को नीचे लेना है, अब आराम से सिंगल लेग फोल्ड, विच इज जिसे अर्ध पवन मुक्तासन भी कहते हैं, आप जितना होल्ड कर, जितना क्लोज होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे उठाते हुए जो है अब अपनी कमर को ऊपर ना उठाएं, है ना, कमर को नीचे फ्लोर से अलाइन फ्लैट रखें, जितना फाइल फोल्ड हो सकता है उतना ही करें, ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा और इन सारे स्ट्रेचेस से जो है बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से कई बार लेडीज के लिए जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो दिक्कत होती है, डिले होना या फिर कई और तरह की प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, उसमें बहुत सारा बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि बॉडी में जो है ब्लड
और ऑक्सीजन की एक्सचेंज प्रॉपर होने लगती है, जिससे धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती हैं। ओवरऑल सभी को एक्सरसाइज करना चाहिए दोनों पैर एक साथ, विच इज पूर्ण पवन मुक्तासन। अब ऐसा करते हुए आप कमर को ऐसे ऊपर ना उठें, बिल्कुल उसे नीचे फ्लैट रखें जितना आप होल्ड कर सके। कई बार आप फिंगर ऐसे लॉक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं ना, फिर धीरे धीरे आप यहाँ पे फिंगर लॉक कर पाएंगे। सबको एक्सरसाइज करना चाहिए एटलीस्ट 30 से 40 मिनट एवरी डे, है ना। ऐसा फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दो अलग अलग चीजें हैं। फिटनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप जिम जाएं बहुत सारा है ना वजन उठाएं और ना एब्स और सिक्स पैक और बहुत बड़े बड़े मसल, ये फिटनेस नहीं होता। फिटनेस का मतलब होता है कि आप जो खा पी रहे हैं उसे अच्छे से यूटिलाइज करें, वो एक्स्ट्रा स्टोर ना हो फैट के रूप में, मतलब फैट बन के वो बॉडी में स्टोर ना होता जाए। लेग स्ट्रेट और फिर से एक बार ओवरहेड फिंगर लॉक स्ट्रेच, अपने टो को ऊपर खींचे होल्ड इट टाइट, स्लो डाउन, अब बटरफ्लाई होल्ड है ना। आप अगर यहां नहीं पकड़ पाते कोई बात नहीं, आप यहां पकड़ सकते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे वो इंप्रूव होगा, आप यहां पकड़ पाएंगे। अपनी चिन को डाउन नेक स्ट्रेट रखें, तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिटनेस में जरूर आपको आपके फायदे होते हैं कि आप जो खा पी रहे हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज होगा, आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में रहेगी और आप डिजीज फ्री रहेंगे, आपको कोई बीमारियां ना शुगर ब्लड प्रेशर जैसी ये जो आजकल कॉमन हो गई ये सारी चीजें आपसे दूर रहेंगी। और इसके साथ साथ एक चीज और करें, किसी भी फैंसी डाइट को यू नो अवॉइड करें। जैसे कोई फैंसी चीजें आजकल बहुत आ गई मार्केट में है ना, लोग तो मतलब आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट बिफोर बेड आफ्टर बेड पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, फैट बर्नर और ये वो, इन सब चीजों से दूर रहे, बहुत ज्यादा इन सब में नहीं जाना है। आप ट्रेडिशनल फूड फॉलो करें और एक्सरसाइज रेगुलर करें और अपनी नींद को कंप्लीट करें, और सबसे जरूरी बात आप स्ट्रेस टेंशन से दूर रहें तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है, सबको परेशानियां हैं, लेकिन जब भी आप ऐसा लगे कि आप बहुत परेशान होते हैं ये चीज भी ध्यान रखें कि हेल्थ से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, तो उसी तरह से है कि अगर आप फिट हैं तो आप हर परेशानी से लड़ सकते हैं। अगर आप मतलब 30 साल 40 साल में आप अपनी सेहत को पूरी तरह से बिगाड़ के रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं तो उसी को थोड़ा और चेंज किया जा सकता है कि आप अपने हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम निकालें और 10-15 साल आप और काम कर सकते हैं, अपने बच्चे की खुशियों में शामिल हो सकते हैं, हेल्दी और फिट रह के उसे एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट स्ट्रेच पे, विच इज मर्कटासन, जो आपकी लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। हाथ आप ऐसे बाहर भी रख सकते हैं, मैं यहाँ नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, तो आप यहाँ रखें आराम से, या फिर हाथ आप ऐसे स्ट्रेट रख सकते हैं, आराम से रखें। टर्न योर हेड टू द लेफ्ट एंड लेग्स टू द राइट, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, पैरों में हिप से थोड़ा बाहर डिस्टेंस होना जरूरी है, और हेड को लेफ्ट की तरफ टर्न करें और पैरों को राइट की तरफ होल्ड करें। आपकी लोअर बैक स्ट्रेच होगी, आपको फील होगा यहाँ पे, है ना। फिर धीरे से चेंज करना है, हेड टू द राइट लेग्स टू द लेफ्ट, हर पोजीशन में 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर चेंज। इससे आपको अगर कमर में दर्द है ना बैक पेन जैसे कहते हैं तो वो धीरे धीरे करके हमेशा के लिए चला जाएगा। और ऐसा कभी नहीं होता कि एक दो महीने एक्सरसाइज कर लिया और उसके बाद हमेशा आप फिट रहेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आपको हमेशा एक्सरसाइज करना होगा जब तक आप खा भी रहे हैं, जब तक आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक तरह की आपको कीमत चुकानी होती है अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, और वो हमारा हमारा फर्ज है, हमें करना जरूरी है। तो सिंपल चीजें मैंने आपको बताई, हेल्दी ट्रेडिशनल फूड। अब ट्रेडिशनल फूड का मतलब क्या होता है कि जैसे मानो आप महाराष्ट्र में पैदा हुए, आप यहीं रहते हो तो आपको आपका ट्रेडिशनल फूड होगा महाराष्ट्रियन फूड। आप अगर साउथ में पैदा हुए और आप साउथ से बिलोंग करते हो तो आपका साउथ का फूड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप साउथ से बिलोंग करते हो और आप महाराष्ट्र आ गए हो, या फिर मैं महाराष्ट्र से हूं और मैंने आपको ये कहा कि आप अपनी डाइट से राइस बिल्कुल हटा रहे, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल।
आप जिस ट्रेडिशनल फूड से बिलोंग करते हैं आपको वही फॉलो करना चाहिए, और राइस जो भी हमारे आसपास चीजें बनती हैं, जो भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जो जो खेतों में पकता है, वो अनाज जो है वो हमारे लिए सही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि राइस खराब होता है या रोटी नहीं खानी चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब आजकल की बातें हैं जो नई नई आ रही है, फैंसी चीजें लोग अपने हिसाब से अपने आप को डिफरेंट प्रूफ करने के लिए लोग अपनी अपनी तरह से अपने यू नो अपने अलग स्टाइल बना लेते हैं, ये खाने से ये होगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिंदगी एक ही बार है, खाइए पिए मस्त रहिए, लेकिन ध्यान रखें कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो तकलीफ देती है। टाइम से खाना, टाइम से सोना, स्ट्रेस फ्री रहना और थोड़ा सा एक्सरसाइज रेगुलर करना, इससे आप हमेशा खुश रहेंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और कोई तकलीफ इंशाल्लाह आपको कभी नहीं होगी। ऐसे और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, फिलहाल के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।